हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इवेक्सिया लाइफ केयर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक आज क्या 3-4 दिन से लगातार हमें बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखें आप, देखिए इसके अंदर वॉल्यूम आया है 15,08,57,178 का, और सभी का सभी बाय क्वांटिटी उठाई गई है इसके अंदर। इक्विटी जितनी भी क्वांटिटी सब खरीदी है इसके अंदर पूरा आज अपर सर्किट लगा है, और कल भी अपर सर्किट लगा था इसमें लगातार। इसके अंदर अब खरीदारी की जा रही है और बहुत मोटी क्वांटिटी इसके अंदर खरीदी आ रही है। तो ये हो सकता है शेयर बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिल जाए हमें जल्दी ही, और मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी रिटेलर भाइयों ने इसको खरीदा हुआ है उन्होंने किस्मत चमक जाए और ये 1,000-1,200 पर जल्दी से जल्दी हो जाए शेयर। क्योंकि देखिए, इन छोटे शेयरों के अंदर हमेशा जो छोटे निवेशक होते हैं वो अपनी क्वांटिटी बना कर रखते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा सयाने होते हैं ऑपरेटर। वो हमेशा ऐसे शेयरों में ऐसा पंप करते हैं कि शेयर को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, और उसी के चलते कुछ टाइम ऐसा आता है कि कुछ लोगों की किस्मत चमक जाती है और वो अपने 1,000-2,000 रुपये के इन्वेस्ट को लाखों करोड़ों में तब्दील कर लेते हैं या हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ केयर के बारे में, इवेक्सिया लाइफ केयर के बारे में बहुत अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर लगातार खरीदारी की जा रही है, बहुत बड़ी और बहुत हैवी क्वांटिटी खरीदी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ₹15,08,57,178 क्वांटिटी इसकी खरीदी गई है आज। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ दिखाया आपको, देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी आपको दिखा रहा हूँ ये सब अपर सर्किट लगे हुए हैं इसके अंदर। आज भी अपर सर्किट लगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसके चार्ट में। देखिए, मैंने आपको 1 मंथ का चार्ट लगाया है, देखिए लगातार किस तरह का सीढ़ियाँ बन रही हैं इसकी, लगातार इसके अंदर अपर सर्किट बनना है। ये देखें आप, ये देखें, अब जिस तरीके से शेयर चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी ये बहुत मोटा रिटर्न दे सकता है बनाकर अपने निवेशकों को। तो दोस्तों, इसको खरीदना और ना खरीदना सब आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, ये आप ध्यान रखें, ये एक पेनी स्टॉक है और बहुत बड़ा पेनी स्टॉक है, मात्र इसकी 1-2 रुपये की आप रेंज देख रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ आप ये ना सोचें कि मैं 10-20 हज़ार रुपये लगा के, 1-2 हज़ार रुपये लगा के बहुत मोटा पैसा कमा सकता हूँ। ये भी याद रखें कि आपके वो 10-20 हज़ार या 1-2 हज़ार आप जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके डूबने के भी पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि पैनी स्टॉक में ऐसा ही होता है। इसका फंडामेंटल चेक करने की शायद जरूरत है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट। देखिए, इसके अंदर रेसिस्टेंट जो बनना है, पहला बनना है 2 रुपये 18 पैसे का, फिर 2 रुपये 32 पैसे का, और फिर तीसरा है 2 रुपये 58 पैसे का। जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, पहला, दूसरा और तीसरा। सपोर्ट की बात कर लें तो सपोर्ट इसका 1 रुपये 78 पैसे का पहला है, 1 रुपये 52 पैसे का दूसरा है, और 1 रुपये 38 पैसे का तीसरा सपोर्ट है इसका। ऊपर जाता है तो 2 रुपये 58 पैसे से ऊपर जाने को इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है ये अपने इस रेसिस्टेंट को भी तोड़ दे।
और नीचे आता है तो फिर डाउन तो इसका आप कहाँ तक दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये तक जा सकता है, और 1-2 रुपये पे तो 1.5 रुपये पे तो काफ़ी टाइम से 1.50 रुपये में काफ़ी टाइम से कारोबार कर रहा है। आप इसे ये चीज़ भी देखें, नोटिस करें इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ आपको शेयर बताना और इसके अंदर लगातार खरीदारी की जा रही है। देखिए 1 वीक के अंदर आप देखें तो 70% का इसने रिटर्न दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, और 1 मंथ के अंदर देखें तो 45% का इसने रिटर्न दिया है। वन मंथ 3 महीने की बात करें, 3 महीने में इसने 25% का दिया रिटर्न। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है 1 साल के अंदर इसने 50% और 3 साल के अंदर 76% का निगेटिव रिटर्न भी दिया है, नुकसान करा है अपने शेयर होल्डरों का। देखिए इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो कोई भी शेयर हो उसके अंदर ये देखा जाता है उसको रेटिंग क्या दी जा रही है, खरीदारी करने की, सेल करने की या होल्ड करने की। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, टुडे का क्या दिखा रहा है, इवन टुडे में तो सर्किट लगा था, 100% की डिलीवरी उठाई गई है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ, एनालिस्ट क्या करें इसके बारे में, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। देखिए इसके अंदर 84% बाय करने के लिए बोला जा रहा है, आप जब देख सकते हैं ये 84% बाय करने की सलाह दी जा रही है शेयर को, 5% होल्ड करने के लिए सलाह दी जा रही है, और मात्र 11% इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं अभी लोग। तो पल्ला किसका भारी है, बाय करने वालों का। 84% लोग बाय करने के लिए इसको सलाह दे रहे हैं कैसे शेयर को बाय करें। देखिए मुझे भी ऐसा लगता है, मैं आपकी खुद की राय बताऊं तो देखिए तकरीबन ये 1 साल से शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लगातार ये 1.5 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, और काफ़ी टाइम जब कोई शेयर एक जगह कारोबार करता रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ऊपर जाने के। देखिए कोई निगेटिव खबर हम इसके बारे में सोचें या कोई पॉजिटिव खबर सोचें तो इतनी छोटी कंपनी है इसके अंदर कोई निगेटिव या पॉजिटिव खबर का कोई असर शायद हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन जैसे शेयरों के अंदर अगर जो हमारे वो गुज्जा है ना, क्या कहते हैं उनको, अरे उनका नाम दिमाग से निकल गया यार मेरे, जो बहुत पंपर डंप करते हैं, नाम मैंने अभी कई बार लिया वीडियो में लेकिन अब देखो मेरे दिमाग से निकल गया वो नाम, जो भी है ऑपरेटर, हाँ अगर इसके अंदर ऑपरेटर घुस जाते हैं शेयर के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर, तो देखिए शेयर कब क्या कर रहे हैं, कमाल दिखा दे, कोई नहीं कह सकता। 1 रुपये का शेयर 1000 तक भी जा सकता है, और मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसे तमाम शेयर जिसके अंदर छोटे निवेशकों ने अपना पैसा लगाया है उनके अंदर ऐसा ही ऑपरेटर खेल दिखा दें, जो 1-1 रुपये वाले शेयरों को 1-1000 रुपये का और 10-10000 रुपये कर दें, ताकि जो हम जैसे गरीब छोटे निवेशक अच्छा मोटा पैसा कमा सकें और हम अपनी भी किस्मत को चमका सकें और सब लोगों के सामने कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं कि हाँ हमने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है, ताकि और लोगों को भी इससे सीख मिले, मोटिवेट हों और शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट करें। देश के अंदर एक निगेटिव पॉइंट ये है, कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और जो लगातार कम भी हो रही है। देखिए जो कि पहले 43% की प्रमोटर के पास होल्डिंग बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है।
43 से 15% हुई, अब 15% से 13% हो गई है। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह है, इसके अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया हुआ, जितनी भी खुद अपने पास है, लेकिन गिरवी नहीं है रखा हुआ। एफआई वालों की देखें, इसके अंदर एफआई वालों ने भी अपनी थोड़ी होल्डिंग कम की है, थोड़ी क्या बहुत कम की है, लगभग ख़त्म ही कर दी है। सितंबर 2022 तक दिखा रहा हूँ आपको। डीआई वालों ने अपनी थोड़ी होल्डिंग बनाई हुई है इसके अंदर, जो 0.31% की है और रेगुलर वही बनी हुई है। देखिए, ये देखें आप, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 15% घटाई है। अच्छी बात यह है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाया हुआ है, लेकिन ये इतना ही पैसा लगाते हैं जितना खो जाए, डूब जाए तो कोई परेशानी ना हो। तो ये म्यूचुअल फंड वालों ने लगाई हुई है 0.08%, बहुत मामूली सी इसके अंदर अपनी रकम लगाई है म्यूचुअल फंड ने। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये शेयर दिखाया है जिसके अंदर लगातार खरीदारी की जा रही है और अपर सर्किट में ये शेयर चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदें उतना ही जितना आप रिस्क ले सकते हो। चाहे आप इसमें 1 लाख का रिस्क लें या 10 लाख का लें या 1 रुपये का लें, ये आपके ऊपर बात है, आपकी मर्जी है। लेकिन शेयर के अंदर रिस्क पूरा पूरा है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और प्लेज नहीं है, ये अच्छी बात है। वो प्लेज करेंगे भी क्या, कुल 13% की इसके अंदर होल्डिंग बनी हुई बची है इसके अंदर प्रमोटर की, उसमें से क्या प्लेज करेंगे। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं यार। मैं किसी भी नए चैनल की वीडियो देखता हूँ, चाहे उस पर कैसा भी कॉन्टेंट हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं उसको सब्सक्राइब जरूर करता हूँ ताकि वीडियो बनाने वालों को हिम्मत मिले और वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे। तो यार, आप मेरी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आपका क्या जाता है इसमें सब्सक्राइब करने में। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।